भाजपा ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सपा रालोद और बसपा के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शामिल होने वालों में मुजफ्फरनगर निवासी रालोद नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी, उनके बेटे सिवान सैनी, सहारनपुर निवासी अखिलेश सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी, जौनपुर से सपा के पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, हरदोई से सपा के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, जौनपुर से सपा के पूर्व विधायक सुषमा पटेल, जौनपुर से सपा के पूर्व विधायक गुलाब सरोज, वाराणसी से सपा की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव, लखनऊ से पूर्व कांग्रेस मीडिया चेयरमैन राजीव बख्शी, आगरा से बसपा की पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गंगाधर कुशवाहा, आगरा से सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि भारद्वाज आदि हैं। वहीं मुजफ्फरनगर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल सैनी उर्फ बच्ची के भाजपा में शामिल होने की चर्चा अफवाह साबित हुई है। हालांकि बच्ची सैनी ने चर्चा को पहले ही सिरे से नकार दिया था।